नमस्कार दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज सुबह का समय है, मैं एक नई रेसिपी आप लोग को बना के दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं खेत में। पहले दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं यहाँ। तो ये सड़क, मतलब सड़क के किनारे अरहर का पेड़ लगा हुआ है, तो मैं अरहर का ही रेसिपी आप लोग को बना के दिखाऊँगी। तो दोस्तों, जो बहुत मोटा छीमी रहेगा, इसमें दाना अच्छे से बड़े रहेंगे, उसी में तोड़ूँगी। तो आप लोग को बता दूं कि अरहर में ज़्यादा पानी नहीं है, इसमें सिंचाई होती, तो इसको इस पेड़ में से मैं डलिया को रख के आराम से तोड़ती हूँ। तो मैं इसे तोड़ती रहूँगी, आप लोग इसको देख लीजिए कि कितना अच्छा इसमें फरा हुआ है, एकदम घोपेदार फरा हुआ है। देखिए, सारे घोपे में सारे एक भी, मतलब ऐसा छीमी नहीं है जो इसमें दाने नहीं पड़े होंगे, सभी में पड़े हैं। तो जिसमें देखिए, मैं इसको उसको आज को लोग को अभी खोल के दिखा देती हूँ, कि जो देखिए इसमें से एकदम हरा है। और ऐसे ही जिसमें दाने रहेंगे, मैं उसी को तोड़ रही हूँ। दोस्तों, आप लोग ये वाला अरहर का खेत देख लीजिए, दूर दूर तक है। तो ये दूसरा है, अभी इसमें ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मोटे दाने नहीं पड़े हुए हैं, थोड़ा सा इसके टाइम लगेगा। इसका भी बनता है रेसिपी, पर मैं इसको मैं तोड़ी हूँ। तो देखिए, हमारा बहुत रेड कलर का दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसको तोड़ा है। तो दोस्तों, आप लोग अरहर का फूल देख लीजिए, जो ये पीला कलर है, इसे ही मैं थोड़ा सा और तोड़ लेती हूँ। छीमी में ज़्यादा मोटा, मतलब दाना रहेगा, उसी को मैं तोड़ रही हूँ। तो इस पेड़ में देख लीजिए दोस्तों आप लोग, मतलब इस ऊपर की तरफ पत्ती नहीं है और सिर्फ ये अरहर फरी हुई है। तो देखिए, अच्छा लग रहा है, तो इसमें से मैं तोड़ती हूँ। चलिए दोस्तों, अब अरहर के खेत में से हम निकलते हैं, अब चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों, मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, और मैं सबसे पहले अरहर का दाना निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितना मोटा मोटा इसमें से दाना निकल रहा है, तो आप लोग पहले दिखा दूँ। तो ऐसे ही मैं दाने को निकाल लेती हूँ अरहर का। तो अरहर का दाना मैंने निकाल लिया है, अब मैं ये लहसुन का छिलका उतार लेती हूँ। अब मैं दाने को अच्छे से धो लेती हूँ। तो पहले मैं इसे बट्टे को साफ कर लेती हूँ। तो दोस्तों, उसे दो तीन पानी से अच्छे से हमने धो लिया है, तो देखने बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने दो तीन पेड़ का मैंने तोड़ा था, तो दो देखिए नीला जैसा लग रहा है, और वाइट है, फिर हरा है, तो सभी पेड़ में मैंने तोड़ा था। तो अब मैं इसको पीसूंगी। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि हम इसका बनाएंगे कढ़ी, तो उसके लिए पहले इसको हम सिलबट्टे पे पीसेंगे। तो मैं अब इसको पीसती हूँ सालन बनाने के लिए, तो गांव में इसे सालन ही कहते हैं। और दोस्तों, इसको हम एकदम महीन पीसेंगे, क्योंकि मुझे सालन बनाना है, और नमूना बनाने के लिए, मतलब इस थोड़ा सा खड़ा रखना पड़ता है। तो मैं इसको बनाऊँगी कढ़ी, तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा महीन पीस रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने पीस लिया है, और मैंने इसमें पानी डालकर नहीं पीसा है, सूखा ही पीसा है। तो इसको उठा लेती हूँ थाली में। तो दोस्तों, कढ़ी बनाने के लिए हमने ये लहसुन लिया है, और हरा मिर्चा, और गरम मसाला। तो पहले मैं इसको पीस लेती हूँ। दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपका कढ़ी बनेगा। तो आग को मैं चूल्हे में जला लेती हूँ। तो अब इस पे रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई रखने के बाद इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तो दोस्तों, हम सालन बनाएंगे, और इसको मैं थोड़ा सा इसको अलग कर लेती हूँ, और थोड़ा सा इसको मैं इसका बनाऊंगी पकौड़ी टाइप का, और उसी में डालूंगी। सालन हमारे यहाँ जब बनता है, तो थोड़ा उसमें पहले पकौड़ी जैसा बनता है उसमें डाला जाता है। तो इसमें मिर्चा डाल दे रहे हैं, थोड़ा तीखा हो जाएगा, और इसमें नमक थोड़ा सा, और इसमें जो ये मसाला हमने पीसा हुआ है, थोड़ा सा इसको भी लेंगे, जो सूखा है उसी को उठा लेंगे, और इसको मिला देते हैं। थोड़ा सा इसमें हल्दी डालते हैं, मिला लेते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें अब डालते हैं ये पकौड़ी। तो तेल हमने थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि थोड़ा सा ही मुझे बनाना है, ज़्यादा नहीं। तो इस साइड हमारा थोड़ा सा पक चुका है, अब इसको मैं पलट देती हूँ। तो देखिए, ब्राउन हो चुका है इस साइड भी। तो हमने हमारा ये बहुत अच्छे से पक चुका है, ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों, हमने तेल कम कर दिया है, क्योंकि अभी मुझे मसाला भी
पकाना है तो पहले इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ। तो दोस्तों इसको लगातार थोड़ा सा इसको अच्छे से पका लेंगे। तो हमारा ये पक रहा है, अभी तेल निकलना इसमें से स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसको पकाएंगे। जब तेल इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगा तब मैं इसको कढ़ाई में से बाहर निकालूंगी। तो दोस्तों इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, तो हल्का हल्का से हमें ब्राउन भी दिख रहा है और तेल भी मतलब चिपक बिल्कुल नहीं रहा है, देखिए एकदम भर भर हो गया है। तो मैं इसको मैं अब निकाल लेती हूँ थाली में। तो हमने ये निकाल लिया है, अब इसको मैं रख देती हूँ। अब इसमें डालते हैं सरसों के बाद तेल उसी कढ़ाई में। तेल इसमें हम पहले से डाले हुए थे इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें डाले हैं। तो दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम मेथी के दाने, तो थोड़ा सा डालते हैं। तो मेथी का दाना हमारा पक चुका है, अब इसमें हम डालते हैं जो पीसे हुए मसाले। इस कढ़ाई हमारी गर्म थी बहुत ज़्यादा, इसको पहले मिला देते हैं, आग को कम कर देते हैं। अब इसमें हम डालते हैं ये हल्दी, हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि इनके सालन बनाना है, तो जैसे हमारा हाथ से कलर आ जाए इसमें से। और इसमें हल्दी थोड़ा सा डालते हैं, धनिया पाउडर ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको हम पका लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों हमारा मसाला भी पक चुका है, तो हमारा पका हुआ है ये, थोड़ा सा इसको हम मसाले में मिला लेंगे जैसे इसमें मसाले अच्छे से मिल जाए। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा से हमारा मसाला भी मिल चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो पानी आप लोग ग्रेवी के हिसाब से डाल सकते हैं कम बेसी, तो ज़्यादा मैं पतला नहीं बनाऊँगी, थोड़ा गाढ़ी ग्रेवी बनाऊँगी। तो दोस्तों ये हींग डाल रहे हैं मैं इसमें, और अरहर का कढ़ी में हींग बहुत ही अच्छा आता है, इसका स्वाद बढ़ जाता है और इसलिए मैंने डाला। तो बगल वाले चूल्हे में भी मैं जला लेती हूँ इस पर, तो इस पर मैं बनाऊँगी चावल, पहले आग को जला लेती हूँ। और ये भी हमारा उबल रहा है, तो इसको मैं जो पकौड़ी मैंने बना के रखा था इसका, तो इसमें मैं डाल देती हूँ। तो इसको इसमें पकौड़ी डाल के इसको चला देते हैं। और ये देखिए हमारा बलक रहा है, मतलब उबल रहा है, और धीमी आंच में पकाएंगे। अब मैं ये चावल को धो लेती हूँ। तो ये चावल में मैं पानी डालती हूँ थोड़ा, इसमें इस चूल्हे पे रख देती हूँ। चावल का हमने आंच तेज कर दिया है, अब इसमें हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो हमने जो उसको पकौड़ी बनाया था तो उसमें डाला था नमक, तो थोड़ा सा कम डालेंगे, तो डाल देते हैं स्वाद अनुसार। तो नमक डालकर इसको हम मिला देते हैं। दोस्तों हमारा चावल पक चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं, और इसका मैं आँच में बिल्कुल कम कर दिए हूँ। और इधर मैं आटे को चाल कर तैयार कर लिया है, अब मैं इसको सान लेती हूँ। तो दोस्तों हमारा जैसे तो आप लोग को बताया कि हमारा चावल पक चुका है, तो मैं इसको खोल कर रखी हूँ थोड़ा, जैसे पानी हल्दी से उसमें ख़त्म हो जाए, नीचे पानी होगा अभी। तो हमारा सब्जी भी पक रहा है, इधर मैं आटे को तैयार कर ली हूँ, कर देती हूँ। अब इसको चावल को मैं रख देती हूँ नीचे, और थाली से तोप के रख देती हूँ। अरे हमारा सब्जी पक चुका है, तो आप लोग को दिखा देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, इसमें खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है दोस्तों, और देखिए गाढ़ा भी है। तो चाहे इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं, पर मैंने इतना ही गाढ़ा रखा है, इतना गाढ़ा सही है। तो मैं इसको उतार देती हूँ चूल्हे पर से। तो अब मैं बनाऊँगी पूड़ी। तो पूड़ी बनाने के लिए पहले मैं पूड़ी को बेल लेती हूँ। तो हमने ये बेल लिया है। तो दोस्तों तब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, और मैं इधर पूड़ी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अब इसमें डालते हैं पूड़ी, तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो ये हमारा पूड़ी फूल चुका है, इसमें पलट देते हैं। तो वैसे ही दोस्तों मैंने ये तेल हमारा थोड़ा गंदा टाइप का है, और ये गंदा नहीं है, इसमें सुबह मैंने नाश्ता बना था तो वही तेल है, तो उसी में मैं पूड़ी बना ले रही हूँ। तो वैसे ही मैं एक एक करके कढ़ाई हमारी छोटी है, तो मैं इसलिए एक ही पूड़ी बना रही हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही मैं सारी पूड़ियों को बनाकर
तैयार कर लेती हूँ। तो दोस्तों हरे अरहर का मैंने बनाया है कढ़ी, तो आप लोग को कैसा लगा देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो इसका ग्रेवी भी बहुत अच्छा है, और इसमें जो हमने डाला हुआ है पकौड़े इसी का, तो ये भी बहुत अच्छा हमारा है। तो इसके साथ मैंने बनाया है चावल, तो चावल भी हमारा बहुत अच्छा है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने बनाया है पूड़ी, तो दोस्तों इसके साथ पूड़ी पराठा रोटी कुछ भी बना सकते हैं। और सभी के साथ ये अरहर का जो कढ़ी है उसके साथ खाने में इसको बहुत अच्छा आनंद मिलता है। तो हमने ढेर सारा चीज़ बना लिया है, अब मैं इसको थाली में लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं कढ़ी को निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो देखा दोस्तों कितना अच्छा बना हुआ है, और बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आया है, और मसाले भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, बहुत ही अच्छा है। तो चावल भी निकाल लेती हूँ, और इसके साथ पूड़ी। अरहर का मैंने कढ़ी बनाया है, तो गांव में इसे सालन कहते हैं। तो आप लोग कैसा लगा, इसके साथ मैंने पूड़ी और चावल बनाया है। तो दोस्तों आप लोग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो हमारा वीडियो प्लीज़, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें। तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैंने एक नया चैनल बनाया है उषा एक आशा, तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। तो उस चैनल में दोस्तों मैं गरीबों लोग को मदद करती हूँ, तो जैसे मैं लोगों को मदद कर सकूँ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।